नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की 5 दिन की यात्रा पर चेन्नई पहुंचे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 5 दिन का मॉनसून सत्र शुरू। भारत ने इस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47,22,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थान आज से खुले। और टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत की कमलप्रीत कौर आज शाम डिस्कस थ्रो फाइनल मैच में अपनी चुनौती पेश करेंगी। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद 12 बजे लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया गया। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही पहले 2 बजे और फिर 3:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। उन्होंने सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वो अपनी सीटों पर बैठ जाएं और सदन का कामकाज सुचारू रूप से होने दें। ये सदस्य तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। पहले स्थगन के बाद 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और आम आदमी पार्टी के सदस्य फिर से सदन के बीचों बीच आ गए और पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी अपने अपने मुद्दे उठा रहे थे। शोर शराबे के बीच उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर उन्होंने कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे, जिनको सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे और हंगामा जारी रहने पर सभापति ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। इससे पहले दोनों सदनों ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरूआत करेंगे। ई रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इसके उपयोग से डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। ई रूपी में कार्ड और नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचे और आवाजाही की आवश्यकता न्यूनतम रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। जन कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी यह एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत औषधि और पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उर्वरक सब्सिडी के लिए भी हो सकेगा। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर्स का लाभ उठा सकेंगे। रवि कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। प्रधानमंत्री कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य से शुरू किया था। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर चेन्नई पहुंचे। हवाई अड्डे पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री कोविंद आज शाम चेन्नई में राज्य विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। वो पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के चित्र का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को नीलगिरी जिले में वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47,22,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। कल 36,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 40,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% है। अब तक लगभग 3,08,57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय करीब 4,13,718 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.31% है। दैनिक संक्रमण दर 2.81% है। कल 422 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। अब तक 4,24,773 मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। देश में कुल 46,96,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 14,28,000 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 49,64,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 9,84,610 टीके जल्द मिल जाएंगे। 3,14,00,000 से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थान आज से खुल गए हैं। उत्तराखंड में कोविड दिशा निर्देशों के पालन करते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्कूल खुलने से पहले सभी निजी और सरकारी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया था। भीड़ कम करने के लिए स्कूल प्रशासन को 2 पालियों में कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई है। स्कूल में उपस्थिति के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है। महामारी के कारण लंबे समय के बाद स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों की उपस्थिति सीमित रही। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए पाबंदियों में ढील देने के बाद आज से सभी कक्षाओं के लिए विद्यालय खोले गए।
कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को नियमों के समुचित पालन का निर्देश दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो। इससे पहले 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में सुधार को देखते हुए स्कूलों में आज से ऑफलाइन कक्षाएं कुछ पाबंदियों के साथ शुरू हुई। राज्य सरकार ने उन जिलों के स्कूलों में सामान्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है जिनमें पिछले 7 दिन से संक्रमण दर 1% तक सीमित रही है। अभी केवल 1ली से लेकर 5वीं तथा 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षाएं ऑफलाइन की गई हैं। 6ठी 7वीं 9वीं और 11वीं की क्लास ऑनलाइन ही चलेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उच्च शिक्षा संस्थान आज से फिर खुल गए हैं। कोरोना स्थिति में सुधार को देखते हुए स्कूलों को फिर खोलने का फैसला किया गया है। 9 महीने से भी अधिक के अंतराल के बाद शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं कोविड नियमों के कड़ाई से अनुपालन के साथ शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाविद्यालयों में 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों को फिर से शुरू करने का फैसला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में यह तय किया गया कि कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मात्र 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। क्लासरूम को सैनिटाइज कराने से लेकर कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। राज्य में दाखिले का काम 5 अगस्त से शुरू होगा। 1ली कक्षा अमृत महोत्सव के भव्य आयोजन के साथ ही प्रदेश भर के सभी स्कूलों में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित होगी। हालांकि पढ़ाई का काम अगले दिन 16 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नातक की कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए क्योंकि सभी बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे अब घोषित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्नातक की कक्षाएं 1 सितम्बर से शुरू कर दी जाएं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इंग्लैंड ने यूरोपीय संघ और अमरीका से कोविड का टीका लगाए हुए यात्रियों को आज से क्वारंटीन की आवश्यकता के बिना देश में आने की अनुमति दे दी है। विभिन्न एयरलाइन कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इंग्लैंड की ग्रीन ट्रैवल लिस्ट में और देशों को जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि यात्रियों को यात्रा से पूर्व या इंग्लैंड पहुंचने के दूसरे दिन पीसीआर परीक्षण कराना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीवन सजा काट रहे 63 कैदियों को कोविड महामारी के मद्देनजर रिहा करने का फैसला किया है। इन कैदियों ने कम से कम 14 साल की सजा काट ली है। राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर कैदियों की उम्र और जेल में उनके अच्छे आचरण के कारण कोविड की स्थिति को देखते हुए इनकी रिहाई की मंजूरी दी गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 3:36 तक स्थगित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की 5 दिन की यात्रा पर चेन्नई पहुंचे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 5 दिन का मॉनसून सत्र शुरू। भारत ने इस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47,22,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थान आज से खुले। और टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत की कमलप्रीत कौर आज शाम डिस्कस थ्रो फाइनल मैच में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा स्ट्रेट द्वीप पर स्थित ग्रेट अंडमानी समुदाय के लोगों की बस्तियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। लोकसभा में आज जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने बताया कि इन लोगों को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाया गया है जो कि जनजातीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।
पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पर्यटकों को पर्यटन मौसम की भीड़भाड़ से बचाने और देश में पर्यटन स्थलों में 365 दिन पर्यटन गतिविधियां जारी रखने के लिए बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को विशिष्ट पर्यटन उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में पर्यटन मंत्री ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें संस्थागत समर्थन, विकासशील पारिस्थितिकी तंत्र, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, व्यापार को सुगम बनाने, विपणन और एमआईसीई उद्योग के लिए कौशल विकास जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य माध्यमों से सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद इस साल 31 जनवरी तक गुजरात में इस योजना के तहत 58,114 करोड़ रुपए वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि मुद्रा ऋण विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए दिया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में बताया कि सरकार ने अपने विज्ञापनों की कीमतों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक प्रभावी समेकित नीति अपनाई है। पूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मंत्रालय नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध में अलग अलग विज्ञापन देते थे, जिन्हें अब युक्तिसंगत बनाया गया है। एकीकृत विज्ञापन देने से लागत कम हुई है और पहुंच भी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा का ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि सत्र के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्यों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा मीडिया के लोगों की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत समुचित प्रबंध किए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए आज पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक होगी। श्री बोम्मई ने 28 जुलाई को मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने येडियुरप्पा का स्थान ग्रहण किया था, जिन्होंने बढ़ती उम्र के कारण 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री बोम्मई कल रात कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत बहुपक्षवाद, कानून के शासन, निष्पक्ष और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद को म्यांमार की कार्यवाहक सरकार के रूप में नया नाम दिया गया है। म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग लाइंग ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित किया है। रविवार को एक टेलीविजन भाषण में जनरल लाइंग ने 2023 तक चुनाव कराने का भी वादा किया। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत ने 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट को क्वार्टर फाइनल में हराया है। ये टोक्यो ओलंपिक भारत की महिला एथलीट की जाबाज
भारत की ओर से 22वें मिनट में गुरजीत कौर ने गोल किया। गुरजीत ने टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर कहा कि टीम ने इतने सालों में जो मेहनत की है ये उसी का परिणाम है। बहुत अच्छा लग रहा है और जो टीम ने इतने सालों में वर्क किया है वो आज उसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि हम कैंप में रहते हैं, हर दिन हार्ड वर्क करते हैं, तो आज पूरी टीम ने एक टीम होके एक गोल था हमारा, उस गोल को हम लोगों ने अचीव किया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 1980 के बाद अभी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, क्वालिफाई किया है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में भारतीय टीम पूरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हावी रही और लगातार अटैकिंग गेम को जारी रखते हुए शानदार जीत हासिल की। भारतीय महिला टीम का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में रहा, जहां उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। टोक्यो में भारत का अभियान नीदरलैंड्स, जर्मनी और ब्रिटेन से लगातार तीन मैचों में हार से शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने शानदार वापसी करते हुए आयरलैंड को 1-0 से हराया और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से पराजित किया और अपना विजय अभियान आज भी जारी रखा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। सेमीफाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ साथ पुरुष और महिला हॉकी टीमों को भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। युवा मामले और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीमों को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। उन्होंने आगामी महत्वपूर्ण खेलों के लिए 135 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को भी बधाई दी। पीवी संधू जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया, तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीतकर दिखाए हैं। विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय हॉकी टीमों को बधाई दी। बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये बहुत कम होते हैं जो किसी देश का दोनों पुरुष और महिला हॉकी जैसे गेम में सेमीफाइनल पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये पल है। नहीं, उम्मीद तो बहुत अच्छा है, आगे भी उम्मीद रखेंगे कि हमारा टीम अच्छा परफॉर्म करेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि टीम सेमीफाइनल में भी अपनी लय बनाए रखेगी। ओडिशा सरकार 2018 से पुरुष और महिला हॉकी टीम की प्रायोजक है। ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में शाम 4:30 बजे कमलप्रीत कौर फाइनल मैच में अपनी चुनौती पेश करेंगी। इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 64 मीटर चक्का फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया था। ओलंपिक खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ भारत 61वें स्थान पर है। चीन 24 स्वर्ण पदक सहित कुल 52 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। 20 स्वर्ण के साथ अमरीका दूसरे और 17 स्वर्ण लेकर जापान तीसरे स्थान पर है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। यह प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केन्द्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि 130 करोड़ भारतीय देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। कई ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अगस्त महीने की शुरुआत में कई अच्छे घटनाक्रम हुए हैं, जो हर भारतीय के लिए सुखद बात है। देश में रिकॉर्ड टीकाकरण का काम हुआ है और जीएसटी का बढ़ना आर्थिक गतिविधियां तेज होने का संकेत है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो आधारित है हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु पर। देश में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनका अपना जीवन भी किसी
गीत है फिल्म तीसरी कसम का, जिसकी पटकथा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1927 में बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। रेणु जी आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करते ही वे सोशलिस्ट पार्टी में आ जुड़े और राजनीति में सक्रिय हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। बाद में जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। साहित्य में भी उनका व्यक्तित्व कुछ कम क्रांतिकारी नहीं रहा। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी, इसलिए इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाने लगा। उनकी एक कहानी थी मारे गए गुलफाम, इस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। जीवन भर दूसरों की पीड़ा को शब्दों में पिरोने वाला संवेदनशील साहित्यकार 11 अप्रैल 1977 को स्वयं गहरी नींद में सो गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा रचना संसार जिसके हर शब्द से मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध आती है। देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इससे राज्य संस्कृति परंपरा और अनुभवों का आदान प्रदान कर एक दूसरे से आपसी समझ के आधार पर संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत नागालैंड को मध्य प्रदेश के साथ युगम बनाया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दोनों राज्य उत्सव, शैक्षणिक भ्रमण, साहित्यिक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य माध्यमों से विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। कोविड महामारी के बावजूद त्योहारों की भूमि नागालैंड मध्य प्रदेश के साथ भागीदार राज्य के रूप में वर्चुअल माध्यम से आपसी संबंधन को मजबूत कर रहे हैं। इस संपर्क के जरिए दोनों राज्य एक दूसरे की संस्कृति, भोजन, पर्यटन, त्योहारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस क्रम में भोपाल स्थित में होटल प्रबंधन संस्थान में वर्चुअल माध्यम से नागालैंड के हस्तशिल्प, नृत्य और जनजातीय व्यंजन का प्रदर्शन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोहिमा से मैं असुन्यों। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और तेज वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में एक या दो बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जम्मू में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा लेकिन शाम को कुछ जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 3:36 तक स्थगित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की 5 दिन की यात्रा पर चेन्नई पहुंचे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 5 दिन का मॉनसून सत्र शुरू। भारत ने इस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47,22,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थान आज से खुले और टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत की कमलप्रीत कौर आज शाम डिस्कस थ्रो फाइनल मैच में अपनी चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।